सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना बनाई है ताकि वृद्धों का जीवन यापन सुखमय तरीके से हो सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के पुरैना ग्राम पंचायत के भिटौरा गांव की निवासी वसीरी निशा सहित 10 लोगों को पेंशन न बनने से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ब्रह्मजीत, यह मेरा समुदाय। आपका BPL सूची 2002 में नाम है? हाँ है, साहेब है, राशन मिलत है। आपका वृद्धा पेंशन बना है? नहीं बना है साहेब। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं मिले, बने नहीं तो मिले कहाँ से? कब से नहीं मिल रहा है? अरे हो गया 10-12 साल से साहेब। आपके अलावा और कितने लोग हैं जिनका नहीं बना है? 10 जने हैं, 10 जने नहीं बने, नहीं तो मिले कहाँ से? आप पेंशन पाने के लिए कोई प्रयास किए? अरे बहुत साहेब, फोटो दिया ना प्रधान के यहाँ, 4 दफे फोटो दिया है, एको दफे नहीं बना था, सभी दिया है 10 जने। वृद्धा पेंशन ना बनने से आपको क्या क्या परेशानी? अरे बहुत परेशानी है साहेब, जाए थे मर मजूरी करी थे, कहूँ नून ना है तो कहियो तेल ना है तो कहियो मिर्चा ना है। वृद्धा पेंशन मिलने लगेगा तो क्या क्या फायदा? अरे बहुत फायदा हो जाएगा साहेब, अरे अनाज गल्ला ले लिए भाई, अपन तबियत नहीं ठीक रहा था, दर दवाई ले लिया, तर तरकारी आई जाए वही में। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते थे साहेब कि सबके 10 जने का बन जाए। आपका BPL सूची 2002 में नाम है? हाँ। आपका वृद्धा पेंशन बना है? नहीं। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं, वो प्रधान का बहुत दिया गया फोटो और काफी कल वो तो नहीं बनवाई, बहुत चाहन कि बन जाए, नहीं बनवाते नहीं है। आपके अलावा और कितने लोग हैं जिनका पेंशन नहीं बना है? हाँ 10 लोग हैं, सबका मिल जाए बाबू ना, जैसे हम गरीब हम तैसे वो बेचारे हैं। वृद्धा पेंशन मिलने लगेगा तो क्या फायदा होगा आपको? यह कुल फायदा रही बाबू, सीधा पानी लाइव, खाद दाल तरकारी लाइव। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन सभी वृद्धजनों का पेंशन बने ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के वीडियो का मोबाइल नंबर है 94-54-46-47-58 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।